हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे। दशमलव को भिन्न में बदलना या किसी दशमलव राशि को पी बटे क्यू के रूप में लिखना एक ही है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि है। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, प्रश्न दिया गया कि 0.3 0.3 को आपको इसको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए, इसका हल कैसे करेंगे। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। लिखा गया है कि 0.3, तो आपने 0.3 लिख लिया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देख रहे हैं दशमलव के बाद इसमें एक अंक है। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो आप एक लिख करके उसके बगल में एक जीरो, अर्थात अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो आप 10 से इसमें गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो आप इसमें 10 का भाग भी करेंगे। जब 10 का भाग कर देंगे तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा। अब ये ऊपर हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे हो गया 10। तो इस तरह से आपकी भिन्न कितनी हो गई, ये हो गई 3/10। तो 0.3 का जब भिन्न के रूप लिखेंगे तो हो गया 3/10। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरा प्रश्न इस तरह का है। इसमें लिखा गया है कि 0.25। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद देख रहे हैं दो अंक है। जब दशमलव के बाद दो अंक है, आपको क्या करना है। अब आप यहाँ पर इस तरह से गुणे का निशान लगाएंगे। गुणे का निशान लगा करके एक लिख करके अब एक आगे आपको दो जीरो लगाना है, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अगर दशमलव के बाद दो अंक है तो आप 100 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद तीन अंक रहेगा तो आप 1000 से गुणा करेंगे। दशमलव के बाद अगर 4 अंक होगा तो आप 10000 का गुणा करेंगे। इस तरह से आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम इस तरह से कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है, जितने से आप गुणा कर रहे हैं उतने से उसमें भाग भी करना है। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं 0.25 में जब आपने 100 का गुणा किया, तो अब आपको क्या करना है, अब इसमें आपको 100 का नीचे भाग भी देना है। तो इस तरह से नीचे लिख देंगे 100। अब इसको जब सरल करेंगे, ऊपर जब 0.25 में 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 100। अब इसको आप सरल करके निम्नतम रूप में लिख सकते हैं। निम्नतम रूप लिखें क्या लिखेंगे आप, इसको अगर सीधा डायरेक्ट काटना चाहें तो काट सकते हैं कि 25 × 25 = 100। अगर आप इस तरह से नहीं काट पा रहे हैं तो आप छोटा छोटा करके 5, देखिए 5 काट रहे हैं तो 5×25 हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5×2 = 10 = 20 हो गया। अब इसको फिर एक बार काट देंगे तो हो गया 5×1 = 5 और ये हो गया 5×2 = 20। इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, इस तरह से इसका आंसर आ गया 1/4। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया कि 0.3 अगर 2.5 लिखा गया है तो इसका मान कितना होगा भिन्न में, ये हो जाएगा 1/4। तो आपने देखा कि आपने सरल, बहुत ही सरल ढंग से इस तरह के दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में लिख लिया। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह की संख्याएं दे दी जाएं तो आपको वहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया है कि 0.123, इसके ऊपर देखिए बार लगा है। अब इसको आपको कैसे हल करना है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है आप इस भिन्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस भिन्न को हल करने के लिए, इसको दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3 लिख करके इसके ऊपर बार लगा है। पहले इसका अर्थ समझना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका अर्थ ही होता है कि अगर जिस संख्या के जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो उस संख्या को बार बार, माने बार बार लिखना है, बार बार आना है। जैसे अगर मान लें अगर इस तरह है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका मान हो गया कि ये है
एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरह से बार बार आती रहेगी। अब इसको आपको कैसे हल करना है, तो इसको हल करने के लिए देखिए आपको शॉर्ट तरीका एक है। शॉर्ट तरीका बहुत ही सरल तरीका है। देखिए आपको करना क्या है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए अब आप लिखेंगे कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि 0.123, तो 1, 2, 3 है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे ऊपर 123। और अब 123 लिख दिए, दशमलव के बाद देख रहे हैं 3 अंक है, तो आप यहाँ पर 3, 9 लिख देंगे। इस तरह से हो गया 123/999। तो अर्थात अगर आपको कोई इस तरह की और भी प्रश्न हल करना है तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपको दे दिया जाए कि 0.5 और इसके ऊपर बार लगा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख देंगे 5/9 हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे अगर लिखिए अगर 0.13 इसके ऊपर बार लगा है, तो इसको आप लिख देंगे ये हो गया 13/, आप यहाँ पर 99 माने 99 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 1, 3, 4, 5 इतने ऊपर बार लगा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1, 3, 4, 5/9, 9, 9, 9, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको और भी संख्याएं दी रहें तो आप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए इसी तरह का एक प्रश्न और है, आप इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ देख रहे हैं लिखा गया है कि 0.237 इसके ऊपर देखिए बार लगा है और 2 के ऊपर बार नहीं लगा है। अब ऐसा प्रश्न अगर रहेगा तो आपको कैसे करना है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे। अब इसके लिए आप मान लें कि यह है, हम इसको इस तरह से मान लें कि यह x के बराबर हो गया, और इसको लिख दें कि x/2, 3, 7, 3, 7, 3, 7, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें 3, 7 बार बार संख्या आ रही है, ये अशांत हो गया, अशांत और आवर्ती है। तो पहले आप क्या करेंगे, 2, 2 देख रहे हैं, दशमलव आपको 2 पर लाना है, तो क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे, तो इसको लिख देंगे हो गया 10x। ये 10x बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखने के हो गया 2.3737, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए दशमलव को यहाँ पर लाना है, तो इसमें आप करेंगे 1000 का गुणा, यहाँ लिखेंगे 1000x बराबर, ये हो गया 237.3737। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1, इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ये देखिए घटाने हो जाएगा, ये हो गया 1000x माइनस 10x, और जब इधर घटाएंगे कितना हो जाएगी, 237 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 235। यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 990। यहाँ पर 1000 का गुणा किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1000x है। अब तो ये हो गया, जब 1000 में से 10 को घटा दे तो आ जाएगा 990, ये हो गया 990x हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे हो जाएगा 235। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x बराबर 235/990। इसको आप सरल कर सकते हैं, इसको सरल करेंगे 5 से देखिए कट रहा है, तो हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 सते 35, नीचे हो जाएगा 5 एकम 5, 5 नवा 45, और बचा यहाँ कितना, 5 नवा 75, 5 अठे 40, 198 आ गया, 47/198। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू मेरी बच्चे।